गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर 9 द एज ऑफ मशीन्स। मशीन युग की बात करेंगे एक बार फिर से, है ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है वो, तो हम लोग मशीन युग की बात करेंगे, कैसे मशीन की शुरुआत हुई और क्या क्या उसके फ़ायदे मिले, है ना, किस तरह लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे एक बार फिर से, है ना। तो उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, बना लीजिए, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मशीन द एज ऑफ मशीन चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग द एज ऑफ मशीन्स, और जब इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अर्ली मैन के बारे में जानेंगे, है ना। और हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं अर्ली मैन के बारे में कि अर्ली मैन जिसको आदिम मानव कहते हैं वह एक हंटर हुआ करते थे, शिकारी होते थे, है ना, शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते थे, है ना, शुरुआत के में। और उस जानवरों का, छोटे छोटे जानवरों का जो शिकार करते थे उनको, उनके उनको मारने के लिए या उसका शिकार करने के लिए उनका स्टोन का इस्तेमाल करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे, है ना। स्टोन को अलग अलग आकार देते थे और उससे टूल्स बनाते थे और इसका इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए करते थे। He picked up the stones lying around him and threw them at the wild animals with some expertise. He started using stones as weapons. अब शुरू के दिनों में अर्ली मैन ने क्या किया, जो स्टोन उनके आसपास उनको नजर आता था उसको फेंक के छोटे छोटे जानवरों को मार देते थे और फिर उनको उनका भोजन करते थे, है ना, अपना आहार बना लेते थे। फिर उसी स्टोन को उन्होंने टूल्स के इस्तेमाल से, उपयोग से, उसी स्टोन का टूल बनाना स्टार्ट किया, औजार बनाना, सिर्फ शेप देना शुरू किया, टूल बनाना मतलब शेप देना शुरू किया, है ना, जिससे उन्होंने कुछ स्टोन हथियार अपने वेपन्स जो है, यानी शिकार करने के लिए वेपन्स बनाए, टूल्स बनाए इन्होंने अर्ली मैन। स्टोन टूल्स, द अर्ली मैन यूज स्टोन्स, बोन्स एंड वुड टू मेक टूल्स। और शुरुआत के दिनों में आदि मानव ने स्टोन की शुरुआत की, पहले डायरेक्ट कोई जो भी पत्थर सामने पड़ा होता था उसको अपना निशाना लगा के मारते थे और जानवर को घायल कर देते थे या उसको मार देते थे और फिर उसका भोजन कर जाते थे, है ना। फिर इन्होंने उसमें थोड़ा सा सुधार किया, परिवर्तन किया हम कह सकते हैं, और उसको थोड़ा आकार देना शुरू किया, पत्थर को घिस के उसको आकार देना शुरू किया और इससे इसको कहा गया स्टोन टूल्स कहा गया, या वेपन्स स्टोन से बनाते थे और फिर उसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे, है ना, जैसे हंटिंग फिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एज द इनिशियल टूल्स वेर वेरी सिंपल एंड क्रूड, जो शुरुआत के दिनों में जो इन्होंने टूल्स बनाए वो बहुत साधारण दर्जे का होता था, है ना। तो वो जो होता था बहुत साधारण दर्जे का होता था और बढ़िया नहीं कहा जा सकता है इसको, है ना। और द अर्ली मैन डेवलप शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स टू मीट हिज इंक्रीजिंग नीड्स, और धीरे धीरे करके इन्होंने फिर इसमें भी विकास किया, है ना, चीज़ों को वो सीखते गए, इम्प्लीमेंट करते गए और फिर इम्प्रूवमेंट होता गया, है ना। तो शुरुआत में सीधा पत्थर का इस्तेमाल किया, फिर उसको थोड़ा सा आकार दिया,
लेकिन वो भी साधारण होता था। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सीखते गए चीज़ों को और अपने औजार जो टूल्स थे स्टोन के उसमें भी सुधार करते गए, है ना। द स्टोन विद शार्प एजेस वेर यूज्ड एज नाइफ्स, और स्टोन का ही स्टोन को उसके एज को यानी किनारे को शार्प बनाते थे और चाकू की तरह उसका इस्तेमाल करते थे। द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल्स वाज स्लो एंड टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और जो ये मैंने आपको बताया कि जो परिवर्तन हुआ जो सुधार हुआ टूल्स में वह बहुत लंबे समय उसमें लग गया, काफ़ी लंबा समय लग गया उसको सुधारने में, है ना। कहने के लिए मैंने कह दिया कि धीरे धीरे करते गए, है ना, और सुधार करते गए बेहतर बनाते गए, लेकिन यह बहुत लंबे समय मतलब बहुत लंबा टाइम लग गया इस टूल्स के को सुधारने में बेहतर बनाने में, बहुत ज़्यादा समय लगा। कहा जाता है कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग गया इसमें, और यह प्रोसेस बहुत स्लो था, है ना, प्रोसेस बहुत स्लो था। जैसे आज आज टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो उसकी जो है विकास करने का जो दर है जो स्पीड है वो हाई है, है ना, ठीक है। लेकिन उस समय इस तरह की बात नहीं कि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं उनके पास, फिर वो कैसे जल्दी करते, है ना। फिर उन्होंने चीज़ों को सीखा देखा, है ना, उनके पास साधन नहीं था, है ना, साधन नहीं था उनके पास। आज हमारे पास साधन है तो चीज़ों को डेवलप तुरंत कर लेते हैं, बहुत कम समय में कर लेते हैं, है ना। उनके पास साधन नहीं था, वो धीरे धीरे करके सीखते गए, फिर तो इसीलिए उनको विकास करने में बहुत लंबा टाइम लग गया, है ना, परिवर्तन करने में बहुत लंबा समय लग गया। तब स्टोन के बाद स्टोन युग जो है काफ़ी लंबा चला, है ना, इसको स्टोन एज कहा जाता है। आई नो डिवाइडेड द स्टोन इज डिवाइडेड इनटू थ्री एज और पीरियड्स, जिसको पैलोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज कहा जाता है, है ना। और काफ़ी सालों के बाद मेटल की खोज की इन्होंने, मेटल की शुरुआत की, और पहला मेटल जो इनके हाथ लगा वो था कॉपर, जिससे इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट, स्टोन टूल्स का भी यूज कर रहे थे और लेकिन मेटल्स जो मिला इनको कॉपर उसका भी टूल्स बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, और दोनों तरह के टूल्स इस्तेमाल करने लगे, दोनों तरह के टूल्स इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया, है ना। और कहा जाता है कि कॉपर जो मैन के द्वारा यूज किया जाने वाला फर्स्ट मेटल था, इसका डिस्कवर भी इसकी खोज भी अचानक हुई, एक्सीडेंटली हुई, कोई इन्होंने जानबूझ के इसका निर्माण नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया ये कॉपर, जिसको विच वॉज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लम्स इन नेचर। यू नो हम जानते हैं कॉपर जो है वो मिनरल है, मेटेलिक मिनरल है, और जो जमीन के नीचे प्राप्त होता है खुदाई करके, है ना, माइंस से प्राप्त होता है, और इनको भी कुछ इसी तरह से यह प्राप्त हो गया, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी तो इनके पास थी नहीं, इनका ब्रेन भी उतना डेवलप्ड नहीं था, है ना, फिर धीरे धीरे करके ये सीखते गए, तो इनको अचानक से यह मेटल मिल गया कॉपर जिसको कहा गया, है ना, जो जमीन के नीचे, है ना, जो प्राकृतिक चीज है, नेचुरल रिसोर्स है हमारा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, यह इनको प्राप्त हुआ। और इट मे बी डेट द अर्ली मैन थ्री वन सच लम्प इन फायर, आफ्टर द फायर डाइड डाउन ही मस्ट हैव फाउंड दैट समथिंग पीसेज ऑफ स्टोन रिमेन्स, व्हेन इट ट्राइड टू ब्रेक देम लाइक अदर स्टोन्स ही मस्ट हैव फाउंड दैट दे वेयर अनब्रेकेबल बट दे कुड बी एक्सपेंडेड एंड मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप, इसको तोड़ नहीं पाते थे लेकिन इसको एक्सपेंड करना मतलब क्या होता है, फैलाया जाना, फैला सकते थे, ढांचा तैयार कर सकते थे, नए नए आकार दे सकते थे। लेटर ही मस्ट हैव फाउंड दैट दिस लम्स कुड बी इजिली बिटन इनटू एनी शेप, और इसको पीट के कई तरह के आकार में इसको इस परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है कॉपर को, और फिर इन्होंने कॉपर टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और जो कॉपर से बना हुआ टूल्स था वो स्टोन के मुकाबले बेहतर था, इसको आकार देना आसान था स्टोन के मुकाबले, है ना।
तो इन्होंने कई तरह के टूल्स बनाए कॉपर के इस्तेमाल से, और फिर विपंस यानी हथियार बनाए जो स्टोन से शिकार करने के लिए स्टोन टूल्स बनाए इन्होंने, और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर टूल साबित हुआ ये कॉपर टूल्स जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया। कॉपर वाज यूज फॉर मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कई वर्षों तक लगातार जो है कॉपर का इस्तेमाल होता रहा। लेटर अर्ली मैन मिक्स्ड कॉपर विथ टीन, और फिर इन्होंने आदिमा अर्ली मैन ने कॉपर को टीन के साथ मिक्स किया और एक नया धातु प्राप्त किया ब्रॉन्ज, जिसको कांस्य कहा जाता है ना। ब्रॉन्ज वाज हार्डर देन कॉपर, ब्रॉन्ज क्या था कॉपर से ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो ये पीरियड जो है लंबा नहीं चला जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद कॉपर का इस्तेमाल जो इन्होंने किया फर्स्ट मेटल के रूप में, यह पीरियड बहुत लंबा पीरियड था। उसके बाद फिर इन्होंने ब्रॉन्ज का उपयोग किया, ब्रॉन्ज बनाया मिक्स कॉपर और टीन को मिक्स करके, ठीक है। और फिर काफ़ी समय बाद जो है जब आयरन डिस्कवर किया गया, आयरन की खोज की गई, हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देख रहे हैं कैसे इन्होंने इनको चीज़ें मिलती गई और यह धीरे धीरे करके विकास करते गए, काफ़ी स्लो प्रोसेस था इनका, है ना। फिर आयरन की खोज हुई, आयरन वाज डिस्कवर्ड, इट प्रूव टू बी ए बून इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन, और यहाँ से लौह युग से आयरन युग से जो एज से जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ, है ना, विकास हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ठीक है। मैन फाउंड आयरन टू बी हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज, और आयरन को कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों से बेहतर पाया गया, हार्डर था, मजबूत होता था, मोर ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहते हैं, तो लंबे समय तक चलने वाला, है ना। और इन्होंने उससे टूल्स बनाने शुरू किए, कई प्रकार के टूल्स बनाए, और इनके जीवन में यहाँ से जो है एक बड़ा परिवर्तन आया, एक बहुत बड़ा सुधार हुआ इनके अर्ली मैन के जीवन में, ठीक है। कई प्रकार के इन्होंने टूल्स बनाए जिसमें, और फिर जो है यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि जो टूल्स बने आयरन के उससे एग्रीकल्चर यानी खेती करना बहुत आसान हो गया, है ना, बहुत फ़ायदा मिला इनको इन टूल्स से खेती करने में, ठीक है। और साथ ही साथ शिकार जो इनका मुख्य पेशा था उस समय, शिकार भी करते थे, है ना। बिकेम मच नाउ हंटिंग फार्मिंग एंड डिगिंग बिकेम मच इजियर फॉर मैन बिकॉज दे मेड टूल्स लाइक एक्सल्स, ग्लो, सिकल्स, सोवेल्स, स्पीयर्स, हैमर्स, कई तरह के औजार इन्होंने बनाए आयरन के इस्तेमाल से, है ना। मैन ग्रेजुअली बिकम स्किल्ड, अब ये स्किल्ड पीपल हो गए, है ना, स्किल्ड पीपल कहलाए, जैसे कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, फार्मर, पॉटर एंड मैसर, जिसको कला आती हो उसको स्किल्ड पीपल कहा जाता है। इन्होंने खेती करना सीख लिया, कारपेंटर लकड़ी का काम सीखा, लोहे का काम सीखा, फार्मर सॉरी और पॉटर बर्तन बनाने का काम, और मैसन मकान बनाने का काम, मैसन यानी मिस्त्री, राजमिस्त्री जिसको कहा जाता है। तो ये स्किल्ड पीपल कहलाने लगे, है ना। तो ये अभी तक हम लोग अर्ली मैन की बात कर रहे थे, टूल्स की बात कर रहे थे, पहले स्टोन टूल्स, फिर कॉपर टूल्स, फिर ब्रॉन्ज टूल्स और फिर आयरन टूल्स। तो एक बहुत बड़ा ये पीरियड जो आयरन का पीरियड आया, आयरन एज, ये मानव के जीवन में एक समझिए क्रांति लेके आया, है ना, और यहाँ से विकास की ओर अग्रसर हो गए ये, और स्पीड भी उनकी जो विकास की गति थी वो भी थोड़ी तेज हुई, है ना। उसके बाद मॉडर्न मशीन, आधुनिक मशीन जिसको कहा जाता है ना, मशीन युग, इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ मशीन्स, यानी मशीन युग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम जानते हैं, बात करते हैं हम। टुडे मैन हैज इन्वेंटेड मैनी इफिशियंट मशीन्स विथ हेल्प हिम इन वेरी फिट, आज के युग में हम देखते हैं हमारे पास बहुत तरह की मशीनें हैं, बहुत तरह की मशीनें हैं, है ना। तो हम लोग आज जिस युग में जी रहे हैं, मशीन युग में जी रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में कैसे अर्ली मैन ने कितना स्ट्रगल किया, कितना जीवन जो है उनका कितना दुख भरा कष्टदायक जीवन था, कष्टमय जीवन था, कितना सफ़र किया उन्होंने अपने जीवन में। और हम लोग आज इस युग में हैं, मशीन युग में, हमारे बहुत सारे वर्क जो है मशीन से डन हो जाते हैं,
कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। फिजिकल हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो अर्ली मैन का लाइफ था वो बहुत ही दुख भरा था। तुम हम लोग बात करते मॉडर्न मशीन की, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बहुत होता गया, लोग चीज़ों को सीखते गए, इम्प्लीमेंट करते गए, है ना, और चीज़ें बनाते गए, और धीरे धीरे करके मशीन की शुरुआत हुई, मॉडर्न मशीन की शुरुआत हुई। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग जर्नी सिंस द डेज ऑफ द अर्ली मैन। ये एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड था अर्ली मैन के स्टोन टूल की बात करें और मॉडर्न मशीन, एक बहुत ही लंबा पीरियड इस बीच में आया, है ना। एक गैप, एक लॉन्ग गैप जो है इस मॉडर्न मशीन और इस स्टोन टूल्स अर्ली मैन के जो इनिशियल शुरुआती जीवन था उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत लंबा टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, सबसे पहला जो मशीन की अगर हम बात करते हैं तो वो था स्टीम इंजन, यू नो, इसको जेम्स वॉट के द्वारा इसकी खोज की गई, इसका आविष्कार किया गया, है ना, 1769 में, है ना, 1769 में स्टीम इंजन की खोज की गई, आविष्कार किया गया। इट प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ मैन। अब डेवलपमेंट की बात की, स्लो प्रोसेस, कितना धीरे धीरे करके अर्ली मैन ने अपने आप को बेहतर बनाया, बहुत स्लो प्रोसेस था ये, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सीखे सिखाए इन्होंने, टेक्नोलॉजी उनके पास थी नहीं, तो ये विकास की गति जो थी उनकी बहुत धीमी थी, सीखने की गति बहुत धीमी थी, है ना। और उनसे हम लोग जो आगे के जनरेशन के लोग हैं वो सीखते गए और आज फिर जो है मशीन युग में हम लोग प्रवेश कर गए। लेकिन जब शुरुआत हुई इस मशीनरी की, वो भी इतना आसान नहीं था, हमें आसानी से हर चीज़ें मिलती गई, हम लोग प्राप्त करते गए, हम लोगों ने देखा हर चीज़ों को, लेकिन वो इतना आसान नहीं था ये सफ़र, यह भी सफ़र मुश्किल था। स्टीम इंजन जैसे जेम्स वॉट ने बनाया, काफ़ी सोचा होगा, विचारा होगा, कैसे उन्होंने भाप को देखा, पानी को उबल के उठते हुए देखा, फिर उनके दिमाग में बात आई और फिर उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया, है ना। इट प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ मैन। जेम्स वॉज ए स्कॉटिश इंजीनियर, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जेम्स वॉट इंजीनियर थे ये स्कॉटलैंड के। एट दैट टाइम द कोल माइंस इन इंग्लैंड यूज टू गेट फिल्ड विथ रेन वाटर। कोल माइंस यानी कोयले की खान इन इंग्लैंड यूज टू गेट फिल्ड विथ रेन वाटर, पानी से जो है भर जाता था। माइनिंग कुड नॉट बी डन, और माइनिंग करना आसान नहीं होता था अंटिल द वाटर वॉज पम्प्ड आउट। अब माइंस के अंदर भर गया पानी, तो फिर वहाँ से कैसे चीज़ों को, कोल को कैसे बाहर निकाला जाएगा, यह मुश्किल था, डिफिकल्ट था। माइनिंग करना यानी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो काफ़ी मुश्किल था। दिस रिक्वायर्ड अ वेरी पावरफुल पम्प, द पावर ऑफ स्टीम वाज ऑलरेडी देयर, और स्टीम की क्षमता को, स्टीम के पावर को जान लिया गया था, है ना। बट दिस पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड हार्नेस्ड इन प्रॉपर मैनर। भाप की क्या क्षमता होती है, वाष्प की क्या क्षमता होती है, इसकी पहचान तो हो गई थी, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, इसको कंट्रोल करना जरूरी था और प्रॉपर मैनर में इसको सेट करना जरूरी था। विद द हेल्प ऑफ द स्टीम इंजन ए पंप कुड नाउ बी यूज, और इस स्टीम इंजन से एक पंप को का इस्तेमाल किया गया पानी को खींचने के लिए। जेम्स वॉट स्टीम इंजन लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे इंजन, और इनका जो स्टीम इंजन जो इन्होंने बनाया जेम्स वॉट ने, वह उससे जो है सो रेलवे इंजन बनाने में मदद मिली, है ना। रेलवे इंजन बनाने का श्रेय जो है जब इसी से प्रेरणा लेकर रेलवे का इंजन बनाया गया स्टीम इंजन से। जॉर्ज स्टीफेंसन थे जिन्होंने, आपको ब्रिटिश इंजीनियर, ब्रिटेन के इंजीनियर थे जिन्होंने रेलवे इंजन बनाया 1814 में इन्होंने रेलवे इंजन बनाया। और जेम्स वॉट ने जो है स्टीम इंजन 1769 में बनाया, यानी 14 यानी लगभग 45 वर्ष के बाद
स्टीम इंजन के इन्वेंशन के 45 साल के बाद जो है रेल इंजन बना, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ रेलवे, जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रेल इंजन को बनाया, रेल इंजन का आविष्कार किया। द फर्स्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड वॉज ड्रॉन ऑन 27 सितंबर 1825 बाय स्टीफेंस लोकोमोशन नंबर, ठीक है। पहले जो पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है ना 27 सितंबर 1825 में, ठीक है। ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल वेयर यूज टू रन कार्स बसेज एंड ट्रक्स, पावरफुल इंजन्स फॉर रेलवे शिप्स एंड एरोप्लेन्स ऑल्सो रन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल। तो हम लोगों ने स्टोन टूल्स से लेके और मॉडर्न मशीन कैसे स्टीम इंजन की खोज की गई, आविष्कार किया गया जेम्स वाट के द्वारा, और स्टीम इंजन के आविष्कार में मदद से काफ़ी मदद मिली, और जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो है रेलवे इंजन का आविष्कार कर दिया है ना 1814 में, और जिनको रेलवे का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। बाकी की चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। तो आज के क्लास में बच्चों यहीं पे मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।